तो कैसे हैं आप सब? उम्मीदें सब अच्छे होंगे। अभी हमें पता चला एक कोविड सस्पेक्टेड कॉल आया है, तो उन्हें घर से पिकअप करके हॉस्पिटल पे ड्रॉप करना है। तो वीडियो में बने रहिए, देखते हैं कौन सा पेशेंट है, कैसा है और उनको क्या तकलीफ़ है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और आगे बढ़ते रहते हैं। तो फाइनली हमने पेशेंट को पिकअप कर लिया और एक अंकल जी है, तो उनको कुछ ज़्यादा कुछ तकलीफ़ नहीं है। उन पहले कोविड पॉजिटिव था, बाद में उन्हें वो नेगेटिव आया था, फिर उनके अंदर कुछ सिम्टम्स दिखा या फिर उनको कुछ फीलिंग हुआ तो उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिशन होने का डिसीजन लिया। अंकल जी तो देखिए बैठा हुआ है मस्त एकदम। उनको हमने कहा लेट जाइए तो उन्होंने मना कर दिया। वो बोला नहीं, मैं तो बैठ के भी जा सकता हूँ, ऐसा कुछ ज़्यादा मुझे तकलीफ़ नहीं है। बट शायद फीवर वगैरह आया था उनको, तो वो डिसाइड किया कि एक बार हॉस्पिटल जाके, अभी उनका एक टेस्ट भी होगा हॉस्पिटल जाते ही, तो टेस्ट होने के बाद उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। और आप लोग देखते रहिए क्या होता है अंकल जी का। और हॉस्पिटल में जाने के बाद जो है ना, जाते ही सबसे पहले तो उनका वो नाक में डाल के वो टेस्ट वगैरह होगा, उसके बाद फिर एडमिशन का जो भी प्रोसीजर होगा वो होगा। देखते हैं क्या होता है, अगर हो शायद वो एडमिशन होंगे या फिर वो नहीं भी हो सकता है, बिकॉज वो बोल रहे थे कि मुझे एक बार टेस्ट करवाना है। हो सकता है फिर से नेगेटिव भी आ जाए, बिकॉज सस्पेक्टेड है, तो ये बोल नहीं सकते कि वो पॉजिटिव ही होगा। Oh,
तो फाइनली हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। अंकल जी बैठे हुए हैं, अभी स्टाफ आए थे हॉस्पिटल का, वो बोल रहे हैं कि अभी एडमिशन प्रोसीजर चालू है, तो हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमारे एम्बुलेंस है, और आज के लिए विदा चाहेंगे आप सभी से।